नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे शेयर बाजार में जो सोच रहे होंगे कि जब भारत का सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम क्यों इसराइल और ईरान के विवाद पे रिएक्ट करें, क्यों हम गिरें, जिसमें हमारे तो नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा आ रहा है। तो यहां पे समझने की जरूरत है आपको कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस। मैं काफी बार इस पे वीडियो बना चुका हूं आपके लिए। अगर किसी को कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस का अभी तक समझ में नहीं आया ना, तो इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली आ जाएगा। अदरवाइज जो बाजार में अगले 2 महीने में होगा वो आपको जरूर समझा देगा। अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो भारत देश में जो इन्फ्लेशन अभी अच्छा आया है फ्राइडे को, वो तो पूरी तरीके से पलट जाएगा। केवल अभी के लिए नहीं पलटेगा, ये इतना बड़ा मार होगी, इतनी बड़ी मार होगी कि पूरे साल का टारगेट जो RBI का है 4.5% इन्फ्लेशन का, वो सब बदल जाएगा। वो 4.5% से बढ़कर 5% पहुंच जाएगा और इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से रेट कट केवल इस साल ही नहीं, आप अगली साल भी ट्रांसफर होते हुए देख सकते हो। ये सारी अजम्पशन है, फैक्ट्स पे आधारित नहीं है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे एक रिपोर्ट की तरफ, जिसने बखूबी कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस को समझाया है, और ये रिपोर्ट कहीं और नहीं मनी कंट्रोल पे आपको इजीली पढ़ने को मिल जाएगी। अब मैं हेडलाइन पढ़ता हूं आप सभी के साथ और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑयल ऑन बॉयल एज ईरान लॉन्चेस अटैक ऑन इसराइल, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन पेट्रोल प्राइसेस। आप देखिए, मैं अभी जब रिसेंटली इन्फ्लेशन का नंबर आया था तब भी मैंने ये बात कवर करी थी कि आपका कच्चा तेल तो उबल के आ गया $87-90 पे, और आप अपनी OMC कंपनी से कह रहे हो कि आप पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम घटा दो, और उन्होंने घटाए ₹2 प्रति लीटर। ऐसे में कंपनियों को जो घाटा होगा वो कौन देगा? सरकार, सब्सिडी के रूप में। और अभी सरकार ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि इलेक्शन खड़ा है आपके सर पे, और इलेक्शन में सबसे बड़ा खर्चा किसका होता है? गवर्नमेंट का खुद का। तो जितना महंगाई नीचे रहेगी उतना सरकार को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, बाद में सब देख लिया जाएगा, अभी सब अच्छा रखना है। तो ये एक क्लियर थीम दिख रही है इस समय गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमें मार्केट पे भी इंपैक्ट करते हुए दिख रही है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो इलेक्शन के बाद पहली चीज तो जो होगी वो यही होगी कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत रफ्तार से भागेंगे। अब क्यों भागेंगे? इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इंडिया अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इज हाईली सेंसिटिव टू इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस एज इट रिसीव्स ओवर 85% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर नेशंस। दिस डायरेक्टली लिंक्स द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल सोल्ड इन द कंट्री टू प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सिंपल सी लैंग्वेज में, हम 85% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, 85% जो हमारी नीड का है, जरूरत का है, केवल 15% खुद उत्पादन कर पाते हैं, प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि किस लेवल के हम इंपोर्टर हैं कच्चे तेल के, और कच्चे तेल को हम महंगे दाम पे खरीदेंगे। तो कच्चे तेल को हम महंगे दाम पे खरीद लेंगे तो ऑब्वियसली सस्ते दाम पे बेचेंगे भी नहीं, तो क्या होगा? आपका डीजल और पेट्रोल डायरेक्टली महंगा हो जाएगा। ये डीजल पेट्रोल का केवल एक एग्जांपल है जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जितनी भी पेंट कंपनियां हैं, एशियन पेंट मेरे मुंह से निकल रहा था क्योंकि वो सबसे बड़ा पेंट मार्केट में प्लेयर है, तो सारी की सारी पेंट कंपनियों के लिए कच्चा तेल एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, सारी की सारे टायर कंपनियों के लिए कच्चा तेल एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, और कच्चा तेल बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में यूज किया जाता है। आगे बात करूं, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर अगेन सीन टू बी मूविंग टूवर्ड्स $100 per barrel एज ईरान लॉन्च अटैक अगेंस्ट इसराइल ऑन April 13, पुटिंग स्ट्रेन ऑन इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडिया। आगे नीचे लिखें, नीचे पढ़ें, सॉरी, दिस डायरेक्टली लिंक्स द रिटेल, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, नीचे वाले पैराग्राफ पे आते हैं। इंडियाज ऑयल सेक्रेटरी पंकज शर्मा ऑन April 2nd हैड पॉइंटेड आउट द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आर कॉज ऑफ कंसर्न। जो पंकज शर्मा है भारत के ऑयल सेक्रेटरी, 2 अप्रैल को इन्होंने कहा कि ये जो बढ़ता कच्चे तेल का प्राइस है ना, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। आप सभी ने देखा धीरे धीरे हम 78, 80, 82, 83, और जब 83 पे आपका ब्रेंट था और WTI 87 पे था, तो मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भैया देख लो ये बढ़ रहा है, सावधान हो जाओ, इन कंपनीज के लिए बेनिफिट है, इन कंपनीज के लिए दिक्कत का विषय बन सकता है। आगे बात करूं, द रिमार्क्स बाय द ऑयल मिनिस्टर ऑफिशियल हेड कम आफ्टर इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs
हैड स्लैश्ड प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय 2 रुपी लीटर ऑन मार्च 14। मार्च 14 को प्राइसेस घटे, 2 अप्रैल को उन्होंने चिंता जताई है कि ये तो उल्टा हो गया। उसके बाद देखें अगर तो हमारे जो 2 अप्रैल को प्राइस घटाए हैं, ऑन मार्च 14 क्रूड ऑयल प्राइसेस वर ट्रेडिंग अराउंड $80 पर बैरल। जब 2 रुपए घटाए थे तब $80 पर बैरल पे था और करंटली 90 हो चुका है और आने वाले समय में 100 के पार निकलने की बात चल रही है। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हाउएवर शर्मा सेड इन हिज लेटेस्ट रिमार्क्स दैट इफ ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू स्टे एलिवेटेड फॉर द मंथ लॉन्गर दिस कंपनी वुड टेक एन एप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन रिटेल फ्यूल प्राइसेस फॉर कॉन्स्टेक्ट ऑल प्राइसेस हैव बीन ट्रेडिंग हायर सिंस देन। इन लेट मार्च एनालिस्ट जेपी मॉर्गन एंड चेस कंपनी हैड फोरकास्टेड दैट ऑयल प्राइसेस कुड रीच $100 बाय सेप्टेंबर 2024। तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में कहा गया है, मार्च में जो निकाली थी, कि इस साल सेप्टेंबर तक $100 का कच्चा तेल हो जाएगा। अब ये सारी चीजें क्या करेंगी, ये सारी चीजें महंगाई को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेंगी। इस बार जो हमारा इन्फ्लेशन आया ये अपने आप में काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि कच्चे तेल के दाम आपने देखे मार्च से लेकर अप्रैल तक बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा डेटा अच्छा आ गया है। तो ये कैसे आ गया वो तो अभी तक भी कंफ्यूजन में बना हुआ है, लेकिन इतनी जरूर है कि इसी तरीके से अगर लड़ाई चलती रही तो कच्चा तेल बहुत ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो कच्चे तेल का वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर की लिस्ट में नाम आता है उसका। वो कभी भी किसी वक्त अपने प्राइसेस बढ़ा सकता है और जरूरत तो सबको ही है, तो लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल सिचुएशन हिल सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, सोच समझ कर पैसा लगाएं और पैसा बचाएं, ये 2 थीम आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।